नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी क्लब में। और ये है एसएससी क्लब का प्रैक्टिस क्यू सीरीज का सॉल्यूशन वीडियो। आज के टॉप कमेंट में अनुज कुमार थे जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया। तो अगर आपने पैकेज नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज डाउनलोड करके इसे बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें दिया है। इसमें अनुज कुमार ने एक सही आंसर दिया था क्वेश्चन 4 का, और क्वेश्चन नंबर 3 का 62 आंसर होगा। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग ऑफ ए इज 2 4 + 1/2 मोर देन बी एंड 1.5 मोर देन सी। इफ ऑल थ्री वर्क टूगेदर देन इट विल कम्प्लीट इन 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए कैन अलोन डू दिस वर्क। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो इफिशियंसी ए की है बी से 2.5 गुनी है, सी से 1.5 गुनी है। अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो 30 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो ए अकेले कितने दिन में खत्म करेगा इस काम को। तो पहले इफिशियंसी ए और बी कितना है, 2 होल प्लस 1/2 मतलब कि 5/2, 5/2 रेशियो 1। यहाँ इफिशियंसी ए और बी का मैंने निकाला तो 5/2 रेशियो 1 हो गया। इसे और सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, 5 रेशियो 2, 5 रेशियो 2 हो जाएगा। और इफिशियंसी यहाँ पे ए और सी का निकालें तो क्या होगा, क्योंकि इफिशियंसी ऑफ वर्किंग ए इज यहाँ पे दिया हुआ था, फिर इसके बाद ए और सी का दिया हुआ था, ए और सी का दिया हुआ था, जिसमें ए कितना था 1.5 गुना ज़्यादा था, मतलब 2 होल प्लस 1 होल प्लस 1/2 मतलब 3/2, और 3/2 रेशियो 1 हो जाएगा, 3/2 रेशियो 1। और यहाँ से क्या हो गया, 3 रेशियो 2। तो यहाँ से ए रेशियो सी आ गया 3 रेशियो 2, और ए रेशियो बी आ गया 5 रेशियो 2। अब यहाँ से सॉल्व करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी के लिए क्या कर देंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 15:6, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 15:10। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए और बी और सी की इफिशियंसी की रेशियो कितनी हो जाएगी, 15:, यहाँ से बी का कितना आया 6, तो यहाँ 6 मैं लिखूंगा, और यहाँ से सी का कितना आया 10, तो यहाँ से 15:6:10 आ गया। अब मैंने बताया था कि जो वर्क होता है टोटल इफिशियंसी इंटू डेज होता है जो कर सकते हैं सब मिलकर या अकेले जो भी हो, तो यहाँ पे तीनों मिलकर 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से 30 दिन हो गया, और तीनों की इफिशियंसी कितनी हुई, तो तीनों की इफिशियंसी कितनी हुई, 15:6 और 10 को हम लोग क्या कर देंगे ऐड, तो 15, 10, 25, 6, 31, यहाँ 31 हो जाएगा। ये जो निकला 31 × 30, ये क्या है, वर्क है, ये इतना वर्क करना है। तो पूछा जा रहा है कि ए अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी 15 है, तो मैंने 15 लिख दिया, और डेज हमें पता नहीं है तो मैंने यहाँ पे डे डी मान लिया, ठीक है। 15 से 30 क्या हो जाएगा, 2 आवर में कट जाएगा, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 31 × 2, इसका मतलब 62 डेज, 62 दिन आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, फिर से बता दे रहा हूँ, ए रेशियो बी निकालना है, 5:2 आया यहाँ से, उसके बाद ए रेशियो सी निकाला मैंने इफिशियंसी का, तो यहाँ से 15:10 आया। मैंने टाइम एंड वर्क के वीडियोज में बताया है, वीडियो नंबर 3 टाइप 2 जिसमें मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो निकालने के बाद मैंने यहाँ से क्या किया, वर्क निकाला 31 × 3 जो करना है, और इसे इक्वेट कर दिया किसके साथ, ए के साथ, जिसे अकेले उसे काम करना है। तो यहाँ से डी आ गया, और डी कितना है, 62 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफिशियंसी ऑफ डूइंग वर्क इज ट्वाइस देन बी, सॉरी यहाँ पे ए है, इफिशियंसी ऑफ ए डूइंग वर्क इज ट्वाइस देन बी, इफिशियंसी ऑफ बी इज ट्वाइस देन सी, इफिशियंसी ऑफ सी इज ट्वाइस देन डी। इफ ए एंड बी कैन डू दिस वर्क इन 12 डेज, देन हाउ मच टाइम बी एंड सी टेक टू कम्प्लीट इट टूगेदर। अगर आपके क्वेश्चन वीडियो में ए छूट गया तो इसके लिए सॉरी, यहाँ पे ए होने वाला है। ए की इफिशियंसी बी से 2 गुनी है, तो यहाँ से ए रेशियो बी क्या हो जाएगा, 2:1, उसके बाद बी रेशियो सी दिया हुआ है, बी रेशियो सी भी क्या है, ट्वाइस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2:1, उसके बाद सी रेशियो डी है, सी रेशियो डी भी क्या है, 2:1। अब यहाँ से हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, क्योंकि यहाँ पे तभी वर्क निकल पाएगा, तभी वर्क निकल पाएगा, ए और बी साथ में काम कर रहे हैं 12 डेज में, तो यहाँ से हमें वर्क निकालना है। तो वर्क निकालना है तो मुझे पूरा इक्वेट करना पड़ेगा, पूरा रेशियो में लाना पड़ेगा, तभी इफिशियंसी अच्छे से पता चल पाएगी। तो इसका मैं एक और शॉर्टकट बता देता हूँ, इसे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी में लाने के लिए, अगर इस तरह का फॉर्म में रहे, हमें ए रेशियो बी लिखा हुआ है, फिर बी रेशियो सी लिखा हुआ है,
इस फॉर्मेट में लिखा हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए का ये पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8, बी का क्या होगा, इससे इससे इसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 2 × 2 × 1, तो क्या हो जाएगा 4। उसके बाद सी का क्या होगा, सी का इससे ये वाला, ये और ये, तो 2 × 1 × 1, तो क्या होगा 2 होगा। अब फिर लास्ट में तीनों को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से सॉल्व करना है कि ए और बी काम कर सकते हैं 12 दिन में, तो वर्क यहाँ से हमें निकल जाएगा, वर्क पता चल जाएगा ए रेशियो बी कितना है, ए रेशियो बी यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया, और 12 वर्क डेज कितने दिन में है, तो 12, तो यहाँ से पता चल गया वर्क कितना है 12 × 12। अब इसे इक्वेट कर देना है जो काम करने वाला है, तो जो काम करने वाला है बी और सी, बी और सी का जो रेशियो कितना है 6 है, 4 + 2, और इसे हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है डेज से, जो दिया हुआ नहीं है वही निकालना है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा और डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 डेज। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको ये रेशियो समझ में नहीं आया तो रेशियो के चैप्टर में इसे और अच्छे से समझाऊंगा। आप यहाँ पर समझ ले कि मैंने निकाला कैसे, ए रेशियो बी निकाल दिया 2:1, बी रेशियो सी निकाला 2:1, सी रेशियो डी निकाला 2:1, ये सभी का सभी दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेशियो निकालने के बाद ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यहाँ पे चारों का रेशियो है एक साथ निकालना जरूरी था, तो यहाँ से वर्क पता चल गया, क्योंकि ए रेशियो ए और बी साथ में काम करते हैं 12 दिन में, ए रेशियो बी दिया हुआ है 12, 8 + 4 तो 12 हो गया, और वर्क यहाँ पे दिया हुआ है 12, तो ये 12 हो गया, 12 × 12। अब बी और रेशियो सी रेशियो काम कर बी और सी को काम करना है साथ में, तो बी रेशियो सी का एफिशिएंसी कितना होगा दोनों मिलाकर, 4 + 2 = 6 हो जाएगा, और डेज हमें पता नहीं है जो हमें निकालना है, इसका आंसर क्या आने वाला है 24। तो आप भी किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं आप मैथ्स क्यू सीरीज में डालने का कोशिश करूंगा, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।